मैंने सुना है कि कमाल साहब ने तुम्हारे नाम की एक नई कंपनी खोली, तो अब तो तुम्हें पैसों का कोई मसला नहीं होना चाहिए यार। अब तो पैसे तुम्हारे पास बेशुमार होंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये घर देख रही हो ना, ये किराए का, मेरी गाड़ी वो भी किराए की, और आइजल समझती है कि ये सब प्रॉपर्टी मेरी है। देखो अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि तुम्हारी स्टेप डॉटर यहां पर आए और ये सब चीजें किराए की हों, या उसे पता चले कि मैंने उसे धोखा दिया। क्या हो गया है सा? अपनी शक्ल देखो यार, अच्छा लिसन, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेट्स जस्ट कट द क्रैप। सीधा पॉइंट पर आता हूं मैं। एक दो तीन चार, एक सेकेंड, काउंटिंग गलत होगी। हाँ मुझे 10 करोड़ चाहिए। क्या 10 करोड़? कभी देखे इतने पैसे? अरे भाई अगर देखे होते तो तुम्हें क्यों कहता? इसीलिए तो तुमसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, यानी कि 100 मिलियन। अब खुद सोचो ना, ये घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, हनीमून पर जाना है, 100 किस्म के खर्चे होते हैं यार। अब तुम चाहोगे कि तुम्हारी स्टेप डॉटर एक पूरे माहौल में रहे? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, सुना तुमने? अरे किस तरह की बात करती? देखो तुम नहीं दोगी तो फिर मैं अपने कमाल अंकल से ले लूंगा। आई एम श्योर जब मैं उनकी बीवी की बेवफाई को उनके सामने एक्सपोज करूंगा तो इतने पैसे तो अपने दामाद को दे ही देंगे।